सिक्सर्स ने रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से एडिलेड स्ट्राइकर्स को हराया। बिग बैश लीग मैच नंबर 26 करेंगे इस पूरे मैच की बात, चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। शुरुआत से बात कर लेते हैं, टॉस जीता सिडनी सिक्सर्स ने किया फील्डिंग का फैसला। और फील्डिंग का फैसला किया तो 2 ओपनर आए एडिलेड स्ट्राइकर्स से, फिल शॉर्ट और जैक वेदरल्ड। फिल शॉर्ट ने 10 बॉल में 9 रन बनाए 1 चौके की मदद से, वहीं जैक वेदरल्ड ने 31 बॉल में 47 रन बनाए जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। 151 के टारगेट से नंबर 3 पर मैथ्यू शॉर्ट जिसमें 7 बॉल में 7 रन बनाए और वो AEW हो गए 260 बॉल पर। एलेक्स कैलियाई के 30 बॉल में 32 रन बनाए, उन्होंने 3 चौके मारे इसमें। जोनाथन बेंस 13 बॉल में 7 रन, माइकल नेसर 2 बॉल में 2 रन, राशिद खान 2 बॉल में 0 रन, कैमरन बेलेंथ 13 बॉल में 12, पीटर सिडेल 2 में 1, हेनरी कॉनवे 8 बॉल में 6 रन, बिली स्टेनलेक 0 बॉल में 0 रन बना के नॉट आउट रहे। इस तरह एलियस स्ट्राइकर्स ने 18.2 ओवर्स में 135 रन पर ऑल आउट हुई और इस तरीके से उन्होंने 135 रन बनाए। बेन डुवासियस 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो टॉम कदन सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 3.4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए और 6 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। और बात करें अब चेस की तो चेस करने आए सिडनी सिक्सर्स के ओपनर जोस फिलिप और अवेन दानो। जोस फिलिप ने 10 बॉल में 8 रन बनाए जिसमें 1 चौका शामिल था। अब 8 बॉल में 11 रन बनाए जस्टिन एवेन दोनों ने। डैनियल ह्यूजेस जो कैप्टन है उन्होंने 13 बॉल में 17 रन बनाए। जेम्स मेस ने 20 बॉल में 27 4 चौके की मदद से रन बनाए। जॉर्डन सिल्क 17 बॉल में 16 रन। जैक एडवर्ड्स ने 1 बॉल में 0 पहली बॉल पर ही वो AEW हो गए राशिद खान की बॉल पर। टॉम कदन ने 20 बॉल में 21 रन जरूर बनाए, बहुत अच्छे रन बनाए वो, बहुत कीमती रन थे उनके। बेन डुवासियस ने 9 बॉल में 10 रन बनाए 1 छक्के मदद से 111 के टारगेट से। जैक्सन बर्ड ने 12 बॉल में 9 रन बनाए और जोस हेजलवुड ने 3 बॉल में 12 रन बनाए 3 चौके की मदद से। तो इस तरीके से टीम सिडनी सिक्सर्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स 2 विकेट से हरा दिया 18.4 ओवर में ही। और ये मैच जो बहुत जितना इंपॉर्टेंट था क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी टक्कर पर चल रही हैं जहाँ पे एक मैच हारना शायद थोड़ा सा वो लगभग 4 की स्थिति से बाहर हो जाएंगे चाल में। तो इस वजह से एक यहाँ पे मैच इंपॉर्टेंट है सब टीमों का, लेकिन यह 2 पॉइंट ये वाले बहुत महत्वपूर्ण लिए सिडनी सिक्सर्स ने और अपनी जगह को मजबूत किया। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो राशिद खान सबसे ज़्यादा सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने विकेट लिए। 5.5 की इकोनॉमिक से उन्होंने रन दिए और बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग स्पेल डाला और उनकी बॉल को खेलना शायद मुश्किल हो रहा था, वो IPL में भी होता है और इसमें भी उन्होंने दबदबा अपना कायम रखा है। अगर हम पीटर सिडेल की बात करें तो पीटर सिडेल ने 3.4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया, उन्होंने 6.82 की इकोनॉमी से रन दिए उन्होंने। और बिली स्टेनलेक ने 4 ओवर में 31 रन देकर 0 विकेट, उन्होंने 7.75 की इकोनॉमी से रन दिए। हेनरी कॉनवे ने 4 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया। तो इस तरीके से सिडनी सिक्सर्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 2 विकेट से हरा दिया और अपनी मजबूत स्थिति कर ली है उन्होंने टॉप 4 में पहुँचने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच जो मैच हुआ 26वां मुकाबला बिग बैश लीग सीजन 10 के बीच। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।